इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप अपवर्क का अकाउंट कंप्लीटली बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शांत दानिश। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप अपवर्क का अकाउंट कंप्लीटली बना सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं आपको ये मेंशन कर दूं, इस लेक्चर के अंदर जो भी डिटेल्स मैं यूज़ करूंगा वो डमी होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ मैं लर्निंग पर्पस के लिए आपको करके दिखाऊंगा। आपने जो भी डिटेल्स देनी है अपनी, वो कम्प्लीटली एक्यूरेट और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिस तरह आईडी कार्ड है या कोई भी और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो आपका नेम है वो आपने देना है और सारी डिटेल्स वही देनी है। और जो आपका जीमेल है या ईमेल कोई भी आप यूज़ करते हैं वो आपने अपना एक्यूरेट देना है, जिसके एक्सेस आपके पास अच्छे तरीके से हो, ताकि आप अपना अकाउंट अच्छे से एक्सेस कर पाएँ और फ्यूचर में आने वाली इशूज़ को ईजीली डील कर पाएँ। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से आप अपवर्क अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे upwork.com। सिंपल यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप का, सिंपल हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये हमसे पूछ रहे हैं आप एज अ क्लाइंट या फ्रीलांसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हम एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी डिटेल्स दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उस्मान मुदस्सिर, और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल, मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ईमेल अवेलेबल है तो ये यूज़ कर लूँगा। मैंने सिंपल ये यूज़ किया। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक पासवर्ड यूज़ करूँगा जो भी मुझे सूटेबल रहेगा। और यहाँ पे ये मैंने सारा कुछ एग्री करके अपने अपने ओरिजिनल डिटेल्स डाल दी। सिंपल क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये बेसिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा एक नेक्स्ट पेज के ऊपर। वहाँ पे आपको मज़ीद इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कि आपने आगे क्या करना है। प्रोबेबली ये इसके बाद आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा आपके ईमेल की, जो आपने ईमेल यहाँ पे इनपुट की है। तो ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक ईमेल की गई है, जो आपने ईमेल इस ईमेल डाली है उसके ऊपर एक ईमेल आई होगी। तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें एक वेरिफिकेशन ईमेल आई हुई है। सिंपल हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और हमारा अकाउंट यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो कम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो फिल आउट करनी है और उसके बाद उसको सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह से इंटरफेस है। मैं सिंपल गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछते हैं फ्यू क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू फ्रीलांस बिफोर, क्या आपने कभी फ्रीलांसिंग पहले की है। इसका कोई भी आप आंसर कर सकते हैं। या सिंपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, अर्न टू मेन इनकम। ओके, I would like to buy, I would like to package up my work for client, I would like to act as a recruiter. इस पर क्लिक करते हैं और सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि रेज्यूमे आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं अपना लिंक्डइन से, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा मैं, अपलोड कर सकते हैं। हम कहेंगे कि हम फिल आउट मैनुअली करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल अपना लिख देते हैं, लेट्स सपोज मैं वर्डप्रेस डिवेलपर एंड डिज़ाइनर। जो भी आपकी स्किल होगी उसके मुताबिक आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। लेट्स से टाइटल मैं यहाँ पे करूँगा वर्डप्रेस डिज़ाइनर। यहाँ पे कोई भी कंपनी दे दूँगा मैं, लेट्स से मैं रैंकयार्ड दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लोकेशन दे दूँगा लाहौर, करंटली वर्किंग, ठीक है। और आपने स्टार्ट ये की थी, मतलब यहाँ पे जॉब आपने स्टार्ट की थी, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपने इस तरह से ऐड करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप रहने दें, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और एजुकेशन डाल देते हैं यहाँ पे स्कूल यहाँ पे नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी इस्लामिया। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी आ गई। जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो MS कंप्यूटर, मास्टर ऑफ साइंस, जैसे मैं यही सिलेक्ट दे, या मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। आपकी जो भी डिग्री हो
आप वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मैनेजमेंट, या सॉरी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। ओके, और फ्रॉम के कब आपने ये डिग्री स्टार्ट की थी और कब एंड हुई, तो मैं लेट से 2020 में स्टार्ट हुई और 2022 के अंदर एंड हो गई। इसको मैं सिंपल सेव कर दूंगा, नेक्स्ट चला जाऊंगा। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आप अपने इंग्लिश लेवल अच्छा फ्लुएंट रख लें और सिंपल नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे हमें अपनी क्या करनी है, स्किल्स ऐड करनी है। आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स आपने ऐड करनी है। मैं इसको फिर अगेन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैंने अपने अबाउट लिखना है, लेट्स से आई एम मार्शल से। मैं इसको अच्छे से फिल आउट कर लूंगा, जो भी आपकी स्किल है या अपने अबाउट, आपने एक अच्छा सा इम्प्रेसिव पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल मैं नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सर्विसेज क्या ऑफर करने जा रहा हूँ, तो मेरी सर्विसेज के अंडर आनी चाहिए और इसके अंडर हैं जी वेबसाइट डिवेलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, ई कॉमर्स डिवेलपमेंट, मतलब जो भी मेरी स्किल्स हैं। आपकी स्किल कोई और हो सकती हैं डाटा साइंस के अंदर, एडमिन सपोर्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें चूज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेट सेट करने, आवरली रेट मैं कहता हूँ स्टार्ट में आप कम ही रखें, $5 to $10 रख लेता हूँ और सिंपल इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे एक पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे क्या करना है, अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, लाहौर, और लाहौर का मैं पोस्टल कोड इस तरह से लिख लूँगा। आप भी अपने सिटी का पोस्टल कोड इस तरह गूगल करके देख सकते हैं और जो भी आपका पोस्टल कोड हो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से डमी कोई भी यूज़ कर लेता हूँ सिंपल। और यहाँ पे हमने अपना नंबर डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो। मैं डमी डाल देता हूँ यहाँ पे और इसको सिंपल यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर अपलोड कर दूँगा जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट। लेट्स से ये कोई पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं सिंपल यूज़ कर लूँगा कुछ इस तरह से। आपने अपनी एक ऐसी पिक्चर लगानी है जिसका क्लियर फेस हो, अच्छे से वो विजिबल हो। तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, सेव प्रोफाइल। सेव प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सबमिट, तो सिंपल मैंने इसको सबमिट कर देना है। जो भी मैंने डिटेल्स और इंफॉर्मेशन डाली है इस प्रोफाइल के अंदर, वो अपवर्क रिव्यू करेगा और 102 दिन के अंदर आपको बता देगा कि आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट। तो आपने सारी चीज़ें एक्यूरेट डालनी है, अच्छे से डालनी है, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी एजुकेशन है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से डाल दी हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर और प्रोफेशनली, तो तभी आपके ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होने पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं और किस तरह से हमने इसको सेटिंग करना है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।